गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज इज अ ब्रोली फ्रॉम ड्रैगन बॉल इन माइनक्राफ्ट। बट वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो का एम रखते हैं एक लाइक, हमें सिर्फ आपकी एक की लाइक चाहिए। डे वन के अंदर मेरे ऊपर होता है एक जानलेवा हमला और इस हमले को करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोहान था। ऊपर से गोहान ने मुझे ऐसा धोया कि जैसे धोबी अपने कपड़े को धो रहा हो। तो जैसे इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा, वैसे ही इस फाइट का भी कोई सेंस नहीं बनता। टू बी ऑनेस्ट, मैंने गोहान के हाथों से मार कामेहामेहा ब्लास्ट सब कुछ खाया और उसके बाद मुझे आया गुस्सा। मैंने गोहान के सामने काउंटर अटैक करना शुरू किया जिसकी ना के बराबर डैमेज पड़ रही थी, इसलिए मैंने अपनी पावर को रिलीज किया एंड फिर हुआ बूम बाम। मैंने गोहान को सिर्फ 3 मुक्के मारे और उसके अंजर पंजर ढीले हो गए। तो गाइस एट द मोमेंट मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी पावर कैसे आई, लेकिन जब मैंने आगे जाके अपने आप को देखा तो सारे राज खुल गए। मैं हमारी कहानी का हीरो यानी कि गोकू बनने के बदले बन चुका था हमारी इस कहानी का पावरफुल विलन ब्रोली। एनीवे गाइस, होने को कौन टाल सकता है। तो अब जबकि मैं एक विलन बन ही गया हूँ तो मैं अपने मेन गोल के ऊपर ध्यान दूंगा जो कि है दुनिया को बसाने के बदले फंसाने का। और शायद आपको याद होगा कि ब्रोली एक ऐसा विलन है जो कि फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट के मुंह को सीख सकता है। तो ये सारी एबिलिटी हमारे बहुत ही काम में आएगी, लेकिन इससे भी काम की चीज है लकड़ियाँ। तो मैंने फटाफट से कई सारी लकड़ियाँ काटी, उससे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड फाइनली क्राफ्ट किया एक वुडन पिकेक्स। आगे मैं पिक को मार के खाना इकट्ठा कर ही रहा था तभी मेरा ध्यान जाता है एक हंटर आर्सर पे। तो जब मैंने इसको मारा तो इसने एक चीज ड्रॉप की जिसका नाम था मीट हॉर्स। नाम देख के ऐसा लग रहा था कि ये खाने लायक है एंड टू बी ऑनेस्ट इसको खाकर मजा आ गया। आगे मैंने थोड़ा और खाना इकट्ठा किया और उसके बाद मैं चला गया माइनिंग पे। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे कोबलस्टोन माइन किए और उससे मैंने बना ली स्टोन की पिकेक्स और स्टोन की एक्स। आगे मैं कोल को माइन कर रहा था तभी मेरे ठीक पीछे आके एक अजीब सा क्रीपर फटता है। एक तो वैसे भी मेरी क्रीपर को देख के फटती है और इसने मेरे ठीक पीछे फटके मेरी वी का W कर दिया। एनीवे तो माइनिंग करते हुए मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास और यहाँ की लूट के अंदर कोई खास चीज नहीं थी। तो थोड़ी देर और माइनिंग करके जब मैं बाहर निकला तो मुझे दिखता है एक बैटल टावर। तो मैंने तुरंत ही बैटल टावर के पहले फ्लोर को क्लियर किया और जब मैंने इसकी लूट को देखा तो इसके अंदर से निकले बाबा जी हो भी अपने ठुल्लू के साथ। तो गाइस आपको पता ही है कि बैटल टावर के सारे फ्लोर की लूट बहुत ही बकवास होती है, इसीलिए मैं डायरी की जा पहुंचा आखिरी फ्लोर पे। तो यहाँ पर पहुंचते ही टावर के बड़े मियाँ मेरे ऊपर कूद पड़े और जब मैंने इनको मारा तो ये मर गए। गाइस अभी तक मैं अपनी पावर का अंदाजा नहीं लगा पाया, मैं बड़े बड़े मॉब्स को एक ही वार में मार सकता था। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने 2-3 बैटल गोलम को मारा और उनके पास से बढ़िया बढ़िया लूट को लूटा। आगे कहानी का विलन होने के नाते मैं तबाही को देखकर खुश हुआ। तो गोलम को मार के मिले हुए डायमंड से मैंने डायमंड के टूल और डायमंड की सेस प्लेट बनाई और इन चीजों को बना के जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे ही मेरा ध्यान जाता है एक गैंग के ऊपर जिनके हाथों में लिटरली बजूका थी। इतना ही नहीं बल्कि उसी बजूका को लेकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर क्या, मैंने भी इनके साथ एक एक हाथ लगाया और देखते देखते इनका नामो निशान खत्म। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी रहा था तभी मेरे पीछे समन होता है वेजिटा। तो मैंने वेजिटा को मनाने की कोशिश की कि मैं बुरा इंसान नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वेजिटा ने मेरी बात नहीं मानी और ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ लड़ना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर 2 या 3 वार में बड़ी आसानी से वेजिटा को मार दिया, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि वेजिटा इतना कमजोर नहीं कि वो 2 या 3 वार में मारा जाए, यानी कि इसका एक ही मतलब निकलता है, या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एनीवे तो जब मैं वेजिटा के साथ लड़ रहा था तो मैंने कई मूव सीख लिए जैसे कि फ्लाइंग, डैश और जंप, और ऊपर से मैंने इन मूव को मैक्स आउट भी कर लिया। तो आगे मैंने अपने फ्लाइंग स्किल को टेस्ट किया एंड टू बी ऑनेस्ट ये सबसे ऑसम था। इसके बाद मैंने अपने कामेहामेहा को भी यूज किया और इसको देखकर मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला बूम बाम। तो आगे उड़ते उड़ते मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक विलेज के अंदर और यहाँ पर आकर मैंने अपनी पावर को इम्प्रूव करने का डिसाइड किया। तो बेसिकली पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ट्रेनिंग की जिसमें से पहली ट्रेनिंग थी शैडो फाइटिंग। तो शैडो फाइटिंग के बाद बारी आती है एयर बॉक्सिंग की।
अगले दिन ट्रेनिंग पूरी करके मैं निकल पड़ा सात भाइयों पर मास्टर रोशी के घर को ढूंढने के लिए। और इस काम को पूरा करने के लिए मैंने क्राफ्ट किया नेसर कंपास और इसने मेरी बहुत ही मदद की। तो लगभग दो या तीन दिन के बाद मैं पहुंच गया मास्टर रोशी के घर पे। और यहाँ पर पहुंचते ही मैंने उनसे बात की। यो मास्टर रोशी, कैसे हो आप? वाह, पूरे दबंग बन के बैठे हो। बेटे, फैशन के साथ चलने का नाम ही जिंदगी है। और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सच बताओ तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना है और इसके अंदर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अरे बेटे, इस बूढ़े के पास से क्या ही सीखोगे। तो गाइस, देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर मास्टर रोशी को मनाना पड़ेगा। और जब तक मैं इनको मना रहा हूँ तब तक आप जाके वीडियो को लाइक कर दो। अबे बूढ़े, दबंग बनेगा तुम? आओ, तुझे 740 और के झटके देता हूँ। ओ वेट, अब होगी मुन्नी बदनाम। देखा गाइस, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसे प्यार से बात करना आना चाहिए। यानी कि मास्टर रोशी मुझे सिखाने को फाइनली मान गए हैं। तो सबसे पहले सर रोशी ने मुझे की ब्लास्टर सिखाया और इसे मैंने उन्हीं के ऊपर ट्राई किया। बट अनलकीली सर रोशी ने खुद के ऊपर और उनके घर के ऊपर कवच लगाया हुआ था, इसीलिए उनको कोई भी असर नहीं हुई। आगे सर रोशी ने मुझे एक काला बादल दिया जिससे मैं बारिश करवा सकता हूँ। एक डार्क निम्बस था और इसके ऊपर बैठकर मैं उड़ सकता हूँ। तो बेसिकली रोशी की ट्रेनिंग के अंदर मुझे सुनना था कि मैं अच्छाई के लिए लड़ूंगा या फिर बुराई के लिए। एंड ऑब्वियसली एक विलन होने के नाते मैंने बुराई को सुना। तो यही रीजन था कि मुझे काला बादल मिला। अगर मैं अच्छाई सुनता तो शायद मुझे सफेद बादल मिलता और उससे मैं ज्यादा बारिश करवा सकता था। बट एनीवे, बादल सफेद हो या काला, अपने को तो क्या, अपने को तो पानी निकालना है। तो गाइस, ये है मेरा लेजेंडरी फॉर्म और इस फॉर्म को कमेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग देना मत भूलना। आगे मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था तभी मेरे ऊपर होता है दुनिया के रखवाले चिमकांडी, दुनिया के रखवाले यामसा का अटैक। तो यामसा इतना पावरफुल था कि मैंने इसकी एक ही मुक्के में पुंगी बजा दी। तो गाइस, मैं आपको अभी से ही बताता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट फाइट के अंदर ही मैंने अपनी पूरी पावर यूज की है। बाकी के पूरे वीडियो में मैंने पहले या तो दूसरे फॉर्म में फाइट की है। तो सब मैं यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था और इन साड़ी बुद्धि के लोगों को मार रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा का अटैक। यानी कि माई शू एंड पिलाप साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हैं। तो गाइस, ये वही ग्रुप है जिसमें एक लड़की, एक फॉक्स और एक साधु का भाई है जो कि अलग अलग मशीन में बैठकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं इनको जैसे ही हराता हूँ वैसे ही वो अपने रोबोट के साथ चले आते हैं। तो रोबोट हो या इंसान, दोनों ही फॉर्म में ये लोग कमजोर थे और मैंने इनको एक एक मुक्के में भगा दिया। और तो और, इनको हरा के मुझे एक ड्रैगन बॉल भी मिला जो कि अभी कोई काम में नहीं आएगा। तो आगे मैंने एक नए ओर यानी कि वेरेनल ओर की माइनिंग की, जिसको माइन कर मुझे मिल रहे थे वेरेनल क्रिस्टल। और इन क्रिस्टल को यूज करके मैं बना सकता था एक ओपी आर्मर। तो आर्मर को पहन के मैं ओपी तो लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी पावर को रिलीज किया तो मेरा आर्मर एक सुपर डुपर आर्मर के अंदर बदल गया। मेरा आर्मर सेम टू सेम एनिमे के ब्रोली के आर्मर जैसा बन गया। तो नए आर्मर की खुशी में मना ही रहा था तभी मेरे ऊपर यामसा फिर से अटैक करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग होके आया है, लेकिन इस बार भी मैंने उसको एक ही बार में हरा दिया। और तो और गाइस, कहना पड़ेगा कि ये वीडियो एज अ ब्रोली कम और एज अ वन पंच मैन ज्यादा लग रहा है। एनीवे, तो आगे मैं जहाँ पहुँचता हूँ डायनासोर बायोम के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर थे। और डायनासोर के खत्म होने में मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ है क्योंकि मैंने इनको बहुत ही बुरी तरीके से धोया। तो आगे मैं उड़ते उड़ते ऐसे ही किसी को भी धो रहा था तभी मेरे ऊपर होता है ताओ पाई पाई का अटैक। ताओ पाई पाई मास्टर शिन के भाई है और इनका मेरे ऊपर अटैक करना जायज है क्योंकि ये सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ जो कि मैं सही में हूँ। तो ताओ पाई पाई को हराने के साथ ही मेरे ऊपर रेड रिबन सोल्जर्स ने अटैक कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे इनकी ही जरूरत थी क्योंकि मुझे अपने आप को जितना हो सके उतना पावरफुल और स्किलफुल बनाना है। मैं जितने ज्यादा एनिमीज मारूंगा उतने ही ज्यादा स्किल सीख पाऊंगा। तो इस फाइट के दौरान मुझे पता चलता है कि मैं पूरा इविल बन गया हूँ। तो अब अच्छे लोग यानी कि गोकू और गोट्स मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको बुरे लोग नहीं पसंद। एंड टू बी होनेस्ट, मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि रावण हमें राम नहीं, दानव हूँ भगवान नहीं। गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली, श्री राम तो हमारे हृदय में बसे हुए है। तो इसी बात पे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे मैंने बहुत ही जल्दी से डिजर्ट बायोम ढूंढना शुरू किया क्योंकि अब बारी थी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने की। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने बहुत सारे कैप्टन लिए और उनको स्मेल्ट करके उनकी
डाई बनाई। इसके बाद मैंने गोल्ड, आयन, रेडस्टोन, क्रिस्टल और डाई को कॉम्बाइन करके टायर वन की चिप बनाई। तो ये सब हो जाने के बाद मैंने एक और चीज बनाई जिसका नाम था ड्रैगन रडार। तो बेसिकली रडार का यूज करके मैं ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकता हूँ, यानी कि फाइनली वक्त आ गया है नौ ड्रैगन बॉल को ढूंढ के ड्रैगन को स्पॉन करने का। तो लगातार 5 दिन तक एक्सप्लोर करने के बाद मैंने एक नमक ड्रैगन बॉल ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने बॉल को लिया वैसे ही मेरे ऊपर 4 लोग अटैक करते है। तो इन 4 लोगों में मास्क गाय, यामचा, क्रिलिन और शिनान शामिल था। तो जैसा कि आपने देखा मैंने इन 4 को एक एक मुक्के में ढेर कर दिया। आगे लड़ाई को पूरी करके मैं सा पहुंचता हूँ एक बिल्ड के पास और सब मैं इस बिल्ड के अंदर गया तो वहाँ पर मुझे मिलते हैं मास्टर मिनियन मास्टर बबीड़ी। तो सब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे और भी पावरफुल बना सकते हैं और एक मूर्ख आदमी होने के नाते मैंने उनकी बात को मान लिया। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर पावरफुल बनने के बदले मैं कुछ और बन गया और इस बात का पता मुझे बाहर निकल के चला। जब मेरे ऊपर किम्बल का अटैक हुआ तब मुझे पता चला 80% पावर गायब फुर उड़ गई है। बट अभी इस बात को सोचने का वक्त नहीं है, मैंने अपना पूरा ध्यान लड़ाई पे लगाया। तो जैसे तैसे करके मैंने किम्बल को हरा दिया और उसके बाद मैं गया मास्टर बबीड़ी के पास। मास्टर बबीड़ी के बच्चे मेरी पावर वापस ला वरना तुझे धो डालूगा। तू क्या मेरे को धोएगा? अपना काम कर वरना बच्ची को सी पावर भी खोएगा। एक तो खुद मिनियन की डुप्लीकेट कॉपी है और मुझे सलाह दे रहा है। देख देख कुतरिया कवच लगा के बैठा है। तो पावर को खो देने के बाद मैं गया गोकू के पास जहाँ पर उसने भी मदद करने के बदले सलाह दी। और मानो या ना मानो असलियत में भी ऐसा होता है। आगे दुखी होके मैं सोने के लिए जा ही रहा था तभी मेरे पास आता है पिकोलो। पहले मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मदद करना चाहता है लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर दाल ही नहीं बल्कि दाल भात रोटी सब्जी सारा का सारा मेन्यू ही काला है। पिकोलो के साथ मेरी घमासान फाइट हुई। तो पहले मेरी पावर का जाना फिर मेरे ऊपर पिकोलो का अटैक होना ये सब देख के मेरा दिमाग घूम गया। इसीलिए मैंने आखिरी रास्ता यूज करने का डिसाइड किया। मैं डायरी की जा पहुंचा गॉड टेंपल पे और वहाँ पर जाकर मैंने गॉड को धमकाते हुए एक ही बात कही कि हे प्रभु हे परमात्मा इस प्राणी को अपने शरणों में आने का सौभाग्य दो। तो मेरी बात को सुनकर कामिनी मेरी मदद की और उसने मेरे सारे पाप धो दिए, यानी कि अब मैं बन गया था शुद्ध शाकाहारी गुडमैन। आगे मैंने वेजिटा और ट्रंक के पास से नए मूव सीखे जैसे कि पावर बॉल, बर्निंग अटैक और बिग बैंग अटैक। और तो और जब मैंने इन मूव को यूज किया तो मेरी आंखें फटी रह गई क्योंकि ये सारे अटैक बहुत ही पावरफुल थे। तो एक गुड मैन बनने के बाद मैं थोड़ी दिन ट्रायल पे रहा जहाँ पर मैंने अपनी सारी पावर को अच्छे काम के लिए यूज किया। इन दिनों के अंदर मैंने विलेजर्स की मदद की, उनको बुरे लोगों से बसाया और साथ ही में मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया। ओके, तो फाइनली वक्त आ गया है अपनी पावर को वापस लेने का और एक काम मास्टर विस ने किया। उन्होंने मेरी पावर वापस दे दी लेकिन एक शर्त पे जिसमें मुझे इस दुनिया को बुरे लोगों से बसाना था। मैंने उनकी बात को मान लिया और यहाँ से शुरू हुआ हमारा चैप्टर 2। तो हमारी पुरानी पावर वापस मिलने के बाद मैंने सबसे पहले एक काम किया जो कि था अपनी पुरानी पावर को फिल करना। मैं गया डायनासोर बायोम में और यहाँ पर आकर मैंने शुरू किया बूम बम। और गाइस कॉमेंट के अंदर अपने ड्रैगन बॉल के फेवरेट कैरेक्टर का नाम लिखना मत भूलना, देखते हैं किसका नाम ज्यादा आता है।
तो गाइस नो कमेंट फॉर दिस अटैक्स। इतने दिनों बाद अपनी शक्ति को वापस महसूस कर पाना अलग ही लेवल की बात थी। लेकिन सारी बातों को साइड पे रखते हुए फाइनली वक्त आ गया है अपने मेन विलन यानी कि फ्रीजा को मारने का। तो इस काम को करने के लिए मैं गया प्लेनेट नमक पे और यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले पिकोलो के आदमियों को धोया। इसके तुरंत बाद ही मेरे ऊपर होता है फ्रीजा की आर्मी, फ्रीजा के मंत्री और खुद फ्रीजा का अटैक। तो मैंने यहाँ पर बड़ी ही आसानी से फ्रीजा को हरा दिया। लेकिन उसने जाते जाते मुझसे कहा कि मैं वापस आऊंगा। और हुआ भी ऐसा, जब मैं प्लेनेट अर्थ पे पहुंचा तो यहाँ पर फ्रीजा की पूरी आर्मी मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी थी। तो एक बार फिर मैंने इनको धोना शुरू किया। तो फ्रीजा की आर्मी को मार के जब मैं आराम करने के लिए जा ही रहा था तभी मेरे सामने स्पॉन होते हैं किंग कोल्ड और मेका फ्रीजा। ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा और इस बार की फाइट के अंदर मैंने अपने लेजेंडरी सुपर सैन के दूसरे फॉर्म को यूज किया। बिग बैंग अटैक। तो फ्रीजा को मार के कई दिन बीत गए और जब मैं ऐसे ही मस्त घूम रहा था तभी मैं होता हूँ अचानक से टेलीपोर्ट। तो पहले मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने सिल्ला के पूछा कौन है, किसने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया, जल्दी से मेरे सामने आओ वरना अंडी मंडी। अरे अरे बस बस आ गया। तो गाइस मेरे ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो था। और पता नहीं क्यों इसने मेरे साथ बिना कोई बात के फाइट शुरू कर दी। लेकिन मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं था, मैंने इसका सामना अपनी फुल पावर के साथ किया। Big Bang Attack! Running? तो टोपो को मारने के लिए मुझे अपने लेजेंडरी सैन के फुल फॉर्म में आना पड़ा। एंड टू बी होनेस्ट इस फाइट के अंदर मेरी बहुत सारी एनर्जी चली गई। तो गाइस उगते सूरज के साथ हमारे हीरो ने एक और बार साबित कर दिया कि वही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन लगता है इस बार उसने अपनी शक्तियों का ज्यादा ही यूज कर लिया। एनीवे तो गाइस हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए है 100 डेज एज अ ब्रोली इन माइनक्राफ्ट। इसका मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका 200 डेज वाला वीडियो बनाऊं तो वीडियो का लाइक एम पूरा करना मत भूलना।